तड़प तड़प के जाए क्योंकि बेकसूर की जान ली उन लोगों ने। बस हम भी यही चाहते जैसे वो गए ऐसी वो भी जाए। खून का बदला खून चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए हमें। वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अंदर है इतना देर से, अंदर है 2 दिन हो गया पकड़ा हुआ, वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। फांसी फांसी चाहिए, इंसाफ दो, इंसाफ जी मैम, इंसाफ चाहिए, इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। चित्ती को फांसी दो, चित्ती को फांसी दो, चित्ती को फांसी दो। चारों में से अभी पता नहीं क्या हो रहा है, कोर्ट क्या कर, यहाँ का थाना क्या कर रहा है, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। सैकड़ों लोग इस वक्त यहाँ पर जमा हुए हैं सिर्फ एक मांग के लिए कि राज को इंसाफ मिले। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के उत्तम नगर की काली बस्ती में, जहां पर कुछ दिन पहले एक नाबालिग के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। हमने वो खबर अपने चैनल पर दिखाई थी, नाबालिग का नाम राज था। आज उनके परिवार ने और आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक कैंडल मार्च का आयोजन किया है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। इस वक्त उनकी माँ भी इस कैंडल मार्च में मौजूद है, इनके साथ भी जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे। जी मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलूं, मुझे तो इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा ला दो तुम लोग। अच्छा, जो भी आरोपी थे सब पकड़े गए हैं अभी तक? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इन सब चीजों के बारे में। मेरे भाई को साफ चाहिए, उनको फांसी दो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है? मेरे भाई की मौत हुई है, हमें उनकी भी मौत चाहिए। हमें फांसी चाहिए बस, हमें कानून से ये दरखास्त है कि हमें उसको फांसी दो। पकड़े गए हैं वो आरोपी? पकड़े गए हैं, वो अंदर है जेल में। अब देखो क्या उनका रिमांड लिया है, क्या करा है वो हमें नहीं पता। तो अभी आप लोग कैंडल मार्च यहाँ पर कर रहे हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। हमारे भाई की जिसे मौत है उनकी वैसे मौत हो, फांसी दो उसको जल्दी से जल्दी। वो भी जाए, तड़प तड़प के जाए क्योंकि बेकसूर की जान ली उन लोगों ने। बस हम भी यही चाहते जैसे वो गए ऐसी वो भी जाए। तो देखिए, इन लोगों ने यहाँ पर एक कैंडल मार्च शुरू कर दिया है और इन लोगों की सीधी सीधी मांग ये है कि राज को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि जितने भी आरोपी थे, अभी हमने इनसे बात करी, वो सभी आरोपी इस वक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी लोग सलाखों के पीछे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हमारे न्यायालय द्वारा उसे, जितने भी आरोपी हैं उन सबको फांसी की सज़ा दी जाए। उससे कुछ भी सज़ा कम ये लोग नहीं मांग रहे। यहाँ पर उनकी माँ की हालत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरी है। जी आप क्या कुछ कहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, उनको खून का बदला खून चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए हमें। वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अंदर है इतना देर से, अंदर है 2 दिन हो गया पकड़ा हुआ, वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मौत के बदले मौत चाहिए हमें, के बदले मौत चाहिए। हाँ बस हमें हमें यही चाहिए कि बस हमें जस्टिस चाहिए हमें, प्लीज बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमें उसका सजा मिलनी चाहिए। फांसी दो, फांसी दो, दो फांसी दो, 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 फांसी दो। हमारे राज को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, मौत के बदले मौत, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मौत के बदले मौत। आप क्या कुछ कहेंगे? हमें बस ये चाहिए कि जैसे हमारा लड़का मरा वो भी मरना चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए, उसे फांसी फांसी करो, फांसी दो उसको, सबको फांसी होनी चाहिए, हमारा बच्चा गया सबको। अभी ये कैंडल मार्च आप कहाँ से कहाँ तक करने वाले हैं? हम यहाँ से उत्तम नगर तक थाने के तक जाएंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, इन लोगों का ये कहना है कि वो सीधा यहाँ से इंसाफ की गुहार कर रहे हैं, लगातार ये कैंडल मार्च ये लोग जारी रख रहे हैं। कहाँ तक ये कैंडल मार्च जाएगी, कहाँ तक जाएगी ये कैंडल मार्च? ये हमारा घूम के हम जहाँ तक हमारे एरिया पड़ता है वहाँ तक हम देखेंगे, जहाँ तक जाएगी। तो अभी ये लोग जो है लोगों को एक तरीके से ये इंसाफ की गुहार लगातार यहाँ पर लगा रहे हैं। इनकी मांग सिर्फ और सिर्फ फांसी की है, उससे ज़्यादा कम ये कुछ भी मांग नहीं कर रहे हैं। हालांकि आरोपियों को उत्तम नगर थाने की पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, लेकिन फिलहाल फिर भी ये लोग जो है लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो भी राज के हत्यारे थे उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। फांसी दो, फांसी दो, चिट्ठी को फांसी दो, इंसाफ चाहिए हमें, मौत के बदले मौत, हमें इंसाफ। आरोपी कितने आरोपी थे? चार आरोपी थे, चारों पकड़े गए। चारों में से अभी पता नहीं क्या हो रहा है, कोर्ट क्या कर, यहाँ का थाना क्या कर रहा है, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। अभी तक हमें कुछ भी जानकारी नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या बात है, और ये अभी हमें कुछ नहीं पता। नाम क्या थे उन आरोपियों के, नाम पता है आपको? आरोपियों के नाम नहीं पता हमें। तो देखिए यहाँ पर लगातार जितने भी लोग हैं सब लोग
कोशिश में लगे हुए हैं कि जो भी राज के हत्यारे थे उन सभी को जो है सख्त से सख्त सजा मिली जाए। यहाँ पर लगभग सैकड़ों लोग इस वक्त यहाँ पर जमा हुए हैं सिर्फ एक मांग के लिए कि राज को इंसाफ मिले। फांसी 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 चाहिए, मौत चाहिए उसका, इंसाफ चाहिए भाई, फांसी चाहिए, फांसी फांसी चाहिए, इंसाफ दो, इंसाफ जी मैम, इंसाफ चाहिए, इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ, इंसाफ। देखिए किस तरीके से जो है जितने भी लोग जा रहे हैं सब लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जो भी राज के हत्यारे थे सभी लोगों को यहाँ पर फांसी दी जाए। देखिए जो मार्च है ये पूरा इस इलाके में घूमेगा, उसके बाद जो है ये लोग पूरे इलाके में मार्च घुमाएंगे और फिर जो है दोबारा से यही मांग उठाएंगे कि जो भी राज के हत्यारे हैं उन सभी को फांसी मिल जाए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो भी हमारा न्यायालय है, जो भी हमारा कानून है, आखिरकार राज के हत्यारों को क्या कुछ सज़ा वो देता है, क्या उन्हें फांसी की सज़ा मिलेगी या फिर उन्हें कुछ भी उम्र कैद की मामूली सज़ा देकर छोड़ दिया जाएगा। अब ये भी बड़ा सवाल है जिस वजह से इन लोगों को लगातार यही डर बना हुआ है कि बस राज के हथियारों को जो है फांसी ही होनी चाहिए, जिस कारण इन लोगों ने आज ये कदम उठाया है कैंडल मार्च निकालने का। छोड़ो छोड़ो मेरा बेटा, मामी आए बाबू, मेरा बेटा आए बाबू, चिंता मेरा बेटा, प्लीज हिम्मत रखो मामू, मेरा बेटा लाना कहे, मेरा बेटा लाना कहे, मेरा बेटा तो जिन लोगों ने पुरानी खबर हमारे चैनल पर नहीं देखी थी, जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था, इनसे पूछकर हम वापस से आपको पूरी जानकारी बताने की कोशिश करेंगे। तो आप थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन मेरा भाई शैम्पू लेने गया था, किसी दोस्तों की बहस होने बड़ा, जहाँ मत लड़ो, उन लोगों ने तो गोली मार दी, मैं एक गोली पहले मार दी, जिस गोली दादी के मेरे दादी के सामने मार दी, उनकी माँ के सामने उन्हें गोली मारी गई थी ना, उनका मैं फैमिली को नहीं पता है, लड़कों को जानते भी नहीं, पर लड़कों ने मर्डर करा उनके मेरी दादी के सामने। कारण क्या बताया जा रहा है, क्या कारण था? वो कोई पुरानी बहस भूस थी, किस दोस्तों की लड़ाई थी, वो दोस्तों की लड़ाई में इसको गोली मारी है दो। तो देखिए जैसे कि हम इनके साथ जुड़े हमने पूरा कारण आप लोगों तक वापस से पहुंचाने की कोशिश करी कि किस तरीके से पुरानी रंजिश के चलते एक नाबालिग को शिकार बना लिया गया और उसको जो है गोली मार दी गई। अभी ये लोग जो है तेजी से आरोपी का नाम चिल्ला रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोपी है उसे फांसी मिले। फांसी दो, हमें फांसी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें फांसी चाहिए, हमें विचार चाहिए, उनको फांसी चाहिए, पूरा फांसी दो, फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिद्दी को फांसी दो। जी बोलिए, मेरी दादी का घर उजड़ गया, मेरा आशंका परिवार चला गया, चिद्दी को फांसी दो। अच्छा आरोपी का नाम क्या था? उसका नाम चिद्दी है, चिद्दी। पुलिस वालों ने पकड़ रखा है, पुलिस वालों ने अभी तक किसी को नहीं बताया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्यों फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो,
फांसी दो। तो आपने इन लोगों का गुस्सा इस मार्च के जरिए देख ही लिया होगा, किस तरीके से ये लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो भी राज के हथियारे थे उन सभी को फांसी मिले। हालांकि उत्तम नगर पुलिस थाने द्वारा जितने भी आरोपी थे उन सभी को पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कुल 4 आरोपियों का नाम सामने निकल कर आ रहा है, जिन 4 को अभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। हालांकि अभी उन्हें क्या कुछ सजा मुकर्रर की जाएगी हमारे कानून द्वारा, इस बात की किसी को भी जानकारी नहीं है। लेकिन इन लोगों ने फांसी से कम कुछ भी उन आरोपियों के लिए इस वक्त मांग नहीं की है। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं अचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।